नमस्ते, अनुप्रेतस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी की खस्ता मठरी बनाएंगे। खस्ता मठरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1.5 कटोरी सूजी लिए हैं, आधी कटोरी मैदा, 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च को दरदरा कूट कर लिए हैं। डीप फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। मठरी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सूजी में मैदा को डाल देंगे, काली मिर्च, जीरा, नमक, इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें रिफाइन ऑयल डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंथ लेंगे। तो हल्का गुनगुना पानी लिए हैं। मठरी बनाने के लिए सूजी को अच्छी तरह से गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। इसका हम सख्त आटा नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट ही गूंथे हैं, क्योंकि सूजी फूलने के बाद थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए लगभग ढककर रख देते हैं, ताकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए। बीस मिनट हो चुका है, हम इसे एक बार फिर से थोड़ा सा गूंथ कर चिकना कर लेंगे। अब इसे हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। इसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे। सारी लोइया को हम इसी तरह से गोल कर लेंगे और इसे बेलेंगे। तो एक लोई को लेंगे और इसे हम बेलेंगे। इसे बहुत अधिक पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। मठरी में हम इस तरह से छेद कर देंगे, ताकि ये फूले नहीं। दोनों तरफ से कर देंगे इस तरह से। सारी मठरियों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे डीप फ्राई करेंगे। इधर कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, तेल को चेक कर लेते हैं। मठरी को डीप फ्राई करने के लिए हमें बहुत अधिक गर्म तेल नहीं चाहिए, थोड़ा मीडियम गर्म चाहिए। तेल मीडियम गर्म हो चुका है, हम इसमें एक एक करके मठरी को डालते जाएंगे। एक बार में जितनी मठरी अच्छे से डीप फ्राई हो सके हम उतना ही डालेंगे। मठरी को हम पलट देंगे और इसे दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। मठरी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम कलछी को थोड़ी देर कढ़ाई में तिरछा करके रखेंगे, ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही गिर जाए। इसी तरह से हम सारी मठरियों को डीप फ्राई कर लेंगे। सूजी की खस्ता मठरी बनकर तैयार है। यह बहुत ही स्वादिष्ट और खस्ता बनी है। इसे हम तोड़कर दिखा दे रहे हैं, देखिए कितनी खस्ता बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी।
अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।